विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने गणित में वैदिक गणित से संबंधित जो टॉपिक था योग संक्रिया का, आज उससे आगे का शुरू करेंगे। उसी में वैदिक गणित योग संक्रिया में सामान्य संख्याओं का योग हमने सीखा है। अब योग में दूरी से संबंधित इकाइयों का योग करेंगे। दूरी में किलोमीटर और मीटर, इसी प्रकार दूसरे में समय से संबंधित मिनट, घंटा, मिनट, सेकंड। तीसरा हम तल दात से संबंधित लीटर, इनके बारे में अध्ययन करें। जो जैसे हमने पहले पढ़ाया उसी प्रकार हम देखें किलोमीटर और यदि मीटर की इकाई आ जाती है तो उसके लिए एक एक एग्जांपल हम लेंगे। उदाहरण के लिए किलोमीटर और मीटर, किलोमीटर और मीटर, किलोमीटर में जैसे मैंने लिखा 55 और यहां से मीटर में हम लिखते हैं 30 मीटर। इसके नीचे मैंने लिखा 60 किलोमीटर और यहां मीटर में लिख दिया मैंने 5 मीटर। इसको ऐड करते हैं किलोमीटर मीटर, किलोमीटर के नीचे 55 मीटर, किलोमीटर 30 मीटर में ऐड करना है 60 किलोमीटर 5 मीटर। उसी नियम के तहत यहां से मीटर में यहां 2 डिजिट है, यहां 1 डिजिट है, इसलिए 1 यहां खाली स्थान पर हम 0 लिखकर इसलिए अंकों की पूर्ति करेंगे। फिर उसी क्रम से शून्यांक विधि से हम जोड़ेंगे, यहां से एक एक अंक में करते हैं तो यहां से 0 में हम क्या जोड़ेंगे 5, 0 और 5, 0 और 5 में क्या लिखेंगे आप 5 आएगा। फिर इसके नीचे हम लिखते हैं 3, 3 में ये भी 0 है, यहां 10 से अधिक नहीं है तो कोई एक अधिक चिन्ह नहीं लगेगा, यहां 3 के 3। इसके बाद में यहां करते हैं 5 के नीचे 0 ऐड करेंगे तो 5 और 0 को ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा। यदि ये संख्या 10 से अधिक होती है तो इसके बाएं वाले अंक के ऊपर एक अधिक चिन्ह लग जाएगा, और यदि ये संख्या 10 से कम है तो बाएं वाले अंक के ऊपर कोई अधिक एक अधिक चिन्ह नहीं लगेगा। अगर यहां से है 5 में 6 जोड़ेंगे 5 प्लस 6 = 11 होते हैं, 11 में एक दहाई अंक लगता है, इस दहाई अंक को हम 6 के इधर कोई यदि अंक है तो वहां अंक लिख के उसके ऊपर अंक उस अंक के ऊपर एक अधिक चिन्ह लगाएंगे, और यदि अंक नहीं है तो यहां बाएं तरफ 0 लगा के इसके ऊपर एकाधिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 11 में शेष अंक 1 बच गया, 1 को यहां लिखेंगे और एकाधिक का प्रयोग करते हैं तो ये 0 से एक अधिक 1 आएगा, तो 115 किलोमीटर और क्या हो गया 35 मीटर हो गया। इसी प्रकार यदि इसकी संख्या बड़ी आ जाए, बड़ी संख्या आती है तो इसी उदाहरण का हम दूसरे रूप में लेते हैं और बड़ी संख्या करके यहां से मैंने ले लिया 85, 86 प्लस यहां ले लिया 38 और
इसी क्रम में इसको भी हम जब योग करेंगे तो पहले इकाई अंक 8 में 7 जोड़ेंगे, आठ में जब हम 7 जोड़ेंगे तो 8 प्लस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 प्लस 7। अभी आपको बताया था शून्यंत वाली विधि से जोड़ते हैं तो 8 में 2 लेंगे 10 हो जाएंगे, 10 में फिर 5 जोड़ेंगे 15 हो जाएंगे, लेकिन अब यहां से डायरेक्ट हम 15 हो गए, 15 में इकाई का अंक अपने पास 5 है और ये जो एक है उसको एकाधिक चिन्ह यहां 7 के बाएं साइड वाले अंक के ऊपर एकाधिक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ये 5 यहां योगफल में नीचे रखेंगे। उसी प्रकार यहां से 3 है, 3 में हमें जोड़ना है 7 से 1 अधिक 8, अगले स्टेप में 3 प्लस 8 इक्वल टू 11 हो गया, क्या हो गया 11। 11 में इकाई का अंक योगफल में नीचे रख देते हैं, अगला अंक जो ढाई का लगेगा 1, उस 1 को अगले 7 से बाईं ओर के 6 के ऊपर एकाधिक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, 5 प्लस 6 से 1 अधिक 7 हो गए, तो 5 में हम 7 जोड़ेंगे पुनः 5 प्लस 7 बराबर 12। 12 में ध्यान दीजिए इकाई का अंक क्या है, 2 है, ये शेषफल अंक आएगा, 1 है वो ढाई का अंक है, इससे बाईं साइड वाले अंक के ऊपर 8 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लग जाएगा और यहां संख्या बच गया अपने पास 2 आ गई। पहले इसको जोड़ा था हमने 5 प्लस 7 क्या था, 5 प्लस 7 कितने हो गए 12 हो गए, 12 में से 2 को यहां लिखेंगे और इसका एकाधिक चिन्ह 8 के ऊपर लगाने से 9 हो गए, अगले स्टेप में 5 प्लस 8 को ऐड करेंगे, 5 प्लस 8 इक्वल टू 13 हो। 13 में इकाई का अंक 3 है वह योगफल में यहां दर्शाएंगे और एक जो है उसको बाएं साइड में यदि कोई अंक है तो रखेंगे, नहीं है तो 0 लगा के इसके ऊपर एक अधिक का प्रयोग करें, 0 से एक अधिक क्या हो गया 1, क्या हो गया इसका मान 132 किलोमीटर और 15 मीटर हो गए। इस प्रकार ये योग की क्रिया दूरी से संबंधित थी, ऐसे लीटर और मिलीलीटर का होगा, इसी प्रकार हम समय का घंटा मिनट और सेकंड, समय में थोड़ा परिवर्तन करना है हमें, लीटर मिलीलीटर लीटर और मिलीलीटर, लीटर में मैंने लिख दिया 850 लीटर और मिलीलीटर में मैंने यहां से कर दिया 58 मिलीलीटर, इसके बाद में यहां मैंने कर दिया 375 लीटर में हमें ऐड करना है 5 मिलीलीटर। सर्वप्रथम ध्यान देंगे लीटर और मिलीलीटर में हमें इकाई का ज्ञान होना चाहिए, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 मिलीलीटर होता है, इसलिए जो भी मिलीलीटर की इकाई दिखाई दे रही है इन इकाइयों को हम 1000 मिलीलीटर में, यहां से हमें मुख्य रूप से 3 जीरो है 3 अंक चाहिए, इस नाम को हम लीटर में चेंज करेंगे, ये हो गए 0.58 लीटर लिख सकते हैं, इसको मिलीलीटर में अंक पूरे करने के लिए आप 0 लगा देंगे, उसके बाद में यहां भी 0 और क्या लगा देंगे 0। यहां चेक करेंगे आगे से अपन देखते हैं 8 और 5 को ऐड करेंगे, 8 प्लस 5 इक्वल टू 13, 13 में क्या आएगा अपने पास 3 और उसके बाद में इकाई अंक यह है इसके ऊपर एक अधिक चिन्ह बनेगा,
उसके बाद में सेकंड में पांच प्लस जीरो से एक अधिक क्या हो गया छह, जीरो से एक अधिक एक इजिकल टू क्या हो गया छह, जो दस से कम है यानी क्या लिखेंगे छह। उसके बाद में जीरो का जीरो लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो अगले स्टेप में यहां से शुरू करेंगे, जीरो में पांच ऐड करेंगे, तो जीरो में और पांच को जब जोड़ते हैं हम तो जीरो प्लस पांच बराबर पांच होगा, जीरो प्लस पांच पांच दस से कम है, इसमें कोई दहाई का नहीं लग रहा है, इसलिए पांच को यहां से पांच लिखेंगे। फिर अगले स्टेप में पांच प्लस सात बारह हो गए, बारह में इकाई का अंक दो है, यहां दो रखेंगे योगफल में, और सात से बाएं अंक के ऊपर एक अधिक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगले स्टेप में पांच आठ प्लस तीन से एक अधिक चार हो गया बारह, बारह में यहां इकाई का अंक दो है, यहां दो रखेंगे, और दहाई का अंक जो एक है उसको यहां जीरो तीन के इधर जीरो लगा के एक अधिक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और जीरो से एक अधिक क्या जाएगा एक, ये तो हो जाएंगे डेटा, ये हो गए मिली डेटा। इससे आगे अगला है व्यवकलन संख्या, व्यवकलन संक्रिया में भी सूत्र दो प्रकार से होगी इसमें, पहले सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक, परम मित्र। दूसरा है सूत्र एक न्यूनतम, सूत्र एक न्यूनतम प्लस परम मित्र। व्यवकलन में मुख्य रूप से दो सूत्र बताए गए हैं, एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक आधारित, दूसरा बताया सूत्र एक न्यूनतम प्लस परम मित्र अंक आधारित। एकाधिक का प्रयोग जैसे योगफल में हम किसी भी अंक के ऊपर एक डॉट लगाते हैं, एकाधिक का प्रयोग संख्या से एक अधिक हो जाता है, परम मित्र के बारे में हम पढ़ेंगे। परम मित्र देखिए, परम मित्र किन्हें कहते हैं इसके बारे में आप जानकारी होना जरूरी है। व्यवकलन में परम मित्र वे दो अंक जिनका योगफल 10 हो एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं, वे दो अंक जिनका योग दस हो, वे दो अंक जिनका योग दस हो एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं, एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। क्या बताया मैंने, परमित्र अंक वे दो अंक जिनका योग 10 हो एक दूसरे के परमित्र अंक कहलाते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे एक प्लस नौ बराबर दस, अर्थात
एक का परिमित्र अंक 9 है, 9 का परिमित्र अंक 1 है। इसी प्रकार 2 प्लस 8 बराबर 10 और ऐसे ही हम आगे चलते रहेंगे, 3 प्लस 7 बराबर 10, 4 प्लस 6 इजिकल टू 10, 5 प्लस 5 इजिकल टू 10। एक का परिमित्र अंक 9, 9 का 1, इसी प्रकार 2 का परिमित्र अंक 8 और 8 का परिमित्र अंक क्या हो गया, 2 हो गया। ऐसे ही 3 का परिमित्र अंक 7, 7 का परिमित्र अंक 3 हो गया। इसी प्रकार 4 का परिमित्र अंक 6 और 6 का परिमित्र अंक क्या हो गया, 4। ऐसे 5 का परिमित्र अंक क्या हो गया, 5। अर्थात जिन दो अंकों का योगफल 10 हो एक दूसरे के परिमित्र अंक कहलाते हैं। इन परिमित्रों का उपयोग करते हुए हम सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण द्वारा और परिमित्र के आधार पर संख्याओं का व्यवकलन करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल के लिए धान लेते हैं, जैसे 8,330 में से 5,278 को घटाएंगे परिमित्र अंक का उपयोग करते हुए। यहां से देखिए, सबसे पहले हम जीरो में से इकाई की तरफ से चलेंगे, जीरो में से 8 को घटाएंगे। जीरो में से 8 नहीं घटता है क्योंकि जीरो संख्या छोटी है और 8 क्या है, बड़ी है। हम सामान्य विधि से जब बाकी करते हैं तो यहां से एक दाई लेते हैं और जीरो को एक दाई लेते हैं, 10 हो गए। 10 में से 8 घटाएंगे, 2 बचते। वैदिक गणित में परिमित्र की सहायता से जब हम व्यवकलन करेंगे तो यहां दहाई लेने की आवश्यकता नहीं है, यहां 8 का परिमित्र अंक देखेंगे। जैसे 0 में से 8 नहीं कटता है इसलिए 8 का परिमित्र अंक 2 है। क्या बताया उदाहरण के तौर पर, 8 का परिमित्र अंक क्या है, 2 है। जो परिमित्र अंक है उस परिमित्र अंक को उसी संख्या में ऐड करके और जो मान आता है वो नीचे लिख दिया जाता है, 2 प्लस 0 या 0 प्लस 2 बराबर क्या आ गया, 2। ठीक है, जब हम परिमित्र का उपयोग कर रहे हैं तो उसी प्रकार 8 के बाएं ओर का जो अंक 7 है उसके ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा दिया, क्या लगा दिया जाता है, एकाधिक चिन्ह। इसी प्रकार आगे आप करेंगे, 3 में से 7 कटाएंगे परंतु 7 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा हुआ है, 7 से एकाधिक चिन्ह ऊपर का मतलब 8 हो गए। पुनः 3 में से 8 को हम नहीं घटा सकते इसलिए 8 का परिमित्र अंक कोई 2 हो गया। उस 2 को उसी संख्या 3 में हम जोड़ेंगे तो 3 और 2 क्या हो जाएंगे, 5। और इधर बाएं वाले अंक के ऊपर पुनः एकाधिक चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। ऐसे इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम, 7 में से 2 से एक अधिक का मान 3 हो गया, 7 में 3 घटाएंगे तो ये आसानी से घट सकता है, 7 में से 3 घटाने पर क्या आएगा, 4। जब ये संख्या ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या छोटी है तो संख्या घटाई जा सकती है और बाएं वाले अंक के ऊपर कोई एकाधिक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आगे हमें देखना है 8 में से क्या घटाना है, 5, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3। यह आ गया 3,452 इसका शेष। इसी प्रकार दूसरा है एक न्यूनतम पूर्वेण प्लस परिमित्र अंक आधार, सेकंड मेथड। सूत्र एक न्यूनतम पूर्वेण प्लस परिमित्र अंक आधार पर हम उसी व्यवकलन को हल करेंगे। यहां देखिए 3 में से 5 को नहीं घटा सकते। अब इससे पहले जो प्रक्रिया थी एकाधिकरण पूर्वेण की, उसमें क्या था, नीचे वाली संख्या नहीं घटती थी तो उसके बाएं अंक में एक अधिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। अब दूसरा जो सूत्र एक न्यूनतम पूर्वेण प्लस परिमित्र अंक आधारित विधि से हम व्यवकलन कर रहे हैं तो न्यून का चिन्ह घटे, यहां 3 में से 5 घटाएंगे, 3 ऊपर वाली संख्या छोटी है, 5 बड़ी संख्या है, इसको हम नहीं घटा सकते। तो यहां से जिस अंक से एक कैरी लेंगे वहां उसका एक न्यून कर लेंगे। इसके बाएं वाला अंक क्या है, 5, 5 का एक न्यून हो गया
उसके बाद में यहां न्यून करने के बाद में पांच का प्रमित्रांक देखेंगे, पांच का प्रमित्रांक क्या होता है, पांच ही होता है। पांच में इसी संख्या को वापस ऐड करेंगे, पांच प्लस तीन इक्वल टू क्या हो गया, आठ हो गया। तो इसके नीचे व्यवकलन में हम देखेंगे आठ। वापिस यहां न्यून का मतलब हो गया पांच में से एक कम, पांच में से एक कम करने का मतलब चार हो गया। चार में से वापिस किसको घटाएंगे, छह को, चार में से छह नहीं घटा सकते, छह का प्रमित्र अंक काम में लिया जाएगा, परंतु उससे पहले नहीं घटा सकते, तो इसके बाएं अंक पर एक न्यून का चिन्ह लगेगा। पांच से पहले बाएं साइड वाले अंक के ऊपर उसके नीचे एक न्यून का चिन्ह लगाएंगे, और उसके बाद में क्रोशित छह का परमित्र अंक होता है चार, उस चार परमित्र अंक को ऊपर वाले अंक में ऐड करेंगे। तो ऊपर वाला अंक पांच से एक कम है, पांच से एक कम का मतलब चार है, चार प्लस चार क्या लेंगे आठ, और उसके नीचे हम लिखेंगे आठ। इसी प्रकार आगे यहाँ सात का एक न्यून हो गया तो ये छह संख्या हो गई, छह में से दो को हम घटा सकते हैं, इसलिए छह में से दो घटाएंगे तो शेष पर आएगा चार। जब पूरी पूरी वाक्य की क्रिया हो जाती है, कहीं प्रमित्र की आवश्यकता नहीं होती है, तब हम उसको सामान्य विधि से घटा सकते हैं। आगे न्यून चिन्ह की आवश्यकता नहीं होगी। आठ में से फिर किसको घटाएंगे, चार, आठ में से चार का क्या बचेगा, चार। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 4488। इसके आगे की विधि अपन शुरू करेंगे। अगला टॉपिक रहेगा अपना गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया वैदिक विधि से गुणन संक्रिया की भी उसी प्रकार विधियां हैं। पहले हम सीखेंगे एकाधिकेन सूत्र, एकाधिकेन पूर्वनिर्णय। गुणन संक्रिया में पहले जो विधि है वो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि है। इस हाथ से पता चलता है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, यानी एक अधिक संख्या से एक अधिक। यहां संख्या में कोई भी मान लेते हैं, चार तीन दो इंटू ऐसे लिखते हैं चार और छह, 432 को हमें गुणा करना है 438 से। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि में सर्वप्रथम हम इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला भाग एक तिरछी लाइन के माध्यम से, ये भाग बायां भाग और एक गलत है दायां भाग। बायां भाग में संख्या आती है परस्पर गुणे के चिन्ह से, पहले वाली संख्या और आगे वाली संख्या में जो अंक परस्पर समान है वो परस्पर अंक समान वाला अंक निखिलम अंक कहलाता है। तो वाम पक्ष में हम लिखेंगे परस्पर समान निखिलम अंक अंक गुणा उसका एक अधिक, उसका एक अधिक। बाएं पक्ष में क्या होता है, बाएं पक्ष परस्पर समान निखिलम अंक गुणा उसका एक अधिक। यहां परस्पर देखिए समान अंक है चार, उससे एक अधिक क्या हो गया पांच। दाएं भाग में दाएं पक्ष में शेष जो बचे हुए अंक है निखिलम अंक को छोड़कर शेष अंकों का गुणनफल, शेष अंकों का गुणनफल।
और शेष अंक क्या है 32 × 68। तो 32 × क्या करेंगे 68। इन दोनों को 32 को 68 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 × 68 8 × 16 6 × 24 और 1 × 25 × 6 × 12 6 × 18 और 1 × 19 6, 7 और 2 11 हो गए 2176। इधर इनका गुणा करेंगे 5 × 4 = 20 32 × 68 का गुणनफल आ गया 2176। अब हमें यह देखना है इसमें से कितने एकाधिक में यहां आधार बनाएंगे। आधार में जितने अंक होते हैं इसमें इकाई और दहाई अंकों को जोड़ेंगे निकलम अंक को छोड़कर। तो यहां आधार की क्रिया करते हैं, आधार 32 + 68 = 100। इस 100 आधार में 2 जीरो आते हैं, आधार में जितने शून्य की संख्या है उससे दुगने अंक दक्षिण पक्ष में रखे जाते हैं। ये मुख्य इसमें ध्यान रखना है। सूत्र एकाधिक अंक पूर्णन विधि द्वारा जब हम संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो बाएं भाग में आपको बताया परस्पर निकलम अंक गुणा इसका एक अधिक से गुणा करेंगे, दाएं भाग में शेष इकाई और दहाई अंकों को गुणनफल करेंगे, उनका जो गुणनफल आता है वो सेकंड भाग में लिख देंगे। फिर हमें ये देखना है सेकंड भाग में कितने अंक रखने हैं, वो आधार के ऊपर जाएंगे। आधार में से 32 + 68 का योग कुल 100 हो गया, 100 में शून्यों की संख्या 2 है, 2 शून्य की संख्या है तो उससे दुगने अंक इसमें रखे जाते हैं। इसमें 2 का डबल करेंगे 4 अंक हो गए, तो 4 अंक ऑलरेडी इसमें पहले से है। आगे हम इसकी लाइन को हटा देंगे और इनको कंबाइंड लिखेंगे, ये इसका गुणनफल आ जाएगा। इसके बाद में ये तो था सूत्र एकाधिक अंक पूर्णन विधि से दी गई संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना। अब अगली संख्या आती है सूत्र निखिलम विधि से गुण। अगला सूत्र आता है सूत्र निखिलम विधि से गुणा। सूत्र निखिलम विधि से गुणा करने के लिए 2 विधियां होती हैं, आधार और उपाधार। आधार उपाधार आधार और उपाधार। सर्वप्रथम आधार विधि के बारे में हम जानकारी करेंगे। आधार विधि का एक एग्जाम्पल लेते हैं, यह है आधार विधि में 532 × 432 को हम गुणा करेंगे, या फिर इसके आगे संकेत में सर्वप्रथम हम लिखेंगे आधार। ये 532 × 432 से आधार विधि नया होकर उपाधार विधि आएगी, क्योंकि पहले अपने को देखना है आधार विधि में वही अंक आते हैं जो संख्याएं 10 के गुणज में हो, 10 में तथा 100, 1000 या फिर 10000। इस प्रकार की संख्याएं जो हो जो इनके बिल्कुल नजदीक हो वो आधार विधि कहलाती है। और जब जैसे ये 532 है, ये संख्या 100 के गुणज की संख्या है, 100 का हम 5 से गुणा करेंगे तो 500 हो गए, 500 के नजदीक है 532। तो सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि ये विधि आधार विधि से होगा या उपाधार विधि से। संख्याओं को पहचान करनी है तो इसलिए एक संख्या मैंने डाल दी 532 × 432, दूसरी बार मैंने लिखा 109 × 101,
ये दो एग्जाम्पल है फर्स्ट और सेकंड। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सा आधार विधि से करें, कौन सा उपाधार विधि से। पहले आते हैं सूत्र निकलम की आधार विधि में। जैसे ये आधार विधि का एग्जाम्पल ये होगा 102 × 101। इस आधार में पहले एक तरफ हम लिखेंगे संख्याएं, दूसरी तरफ उसका लिखेंगे विचलन। यहां संकेत में सर्वप्रथम निकालेंगे आधार। अभी बताया इन संख्याओं को देखकर आपको बताना है ये आधार विधि का या उपाधार विधि का। तो इनमें सबसे पहले चयन किया ये उपाधार विधि का है और ये किसका है, आधार विधि का। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आधार विधि का, तो आधार भी ये 109 है वो किसके नजदीक आ रहा है, 100 के नजदीक है। 100 के नजदीक है इसलिए इसका आधार क्या हो गया, 100। 100 के बाद में हम इसका निकालेंगे विचलन। विचलन ज्ञात करने का सूत्र होता है संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार। तो जैसे हम 109 का विचलन ज्ञात करेंगे तो यहां संख्या है 109 माइनस आधार है 100, प्लस का विचलन आ गया 0। यहां 0 नोट क्यों लिखा गया है, आधार में 2 0 है तो उतने ही अंक विचलन में लेने होंगे, इसलिए हमने 9 के पहले क्या लगाया है, 0। इससे अगला है 101। 101 में विचलन ज्ञात करेंगे तो 101 माइनस लिखेंगे 100 इजिकल टू अगर 0 1। ये भी प्लस का रहा है विचलन, ये भी देखना है प्लस का रहा है माइनस का रहा है। जब संख्या बड़ी है आधार से तो विचलन प्लस का आएगा, और जब संख्या आधार से छोटी है तो विचलन किसका आएगा, माइनस का आएगा। दोनों ही विचलन प्लस के दिखाई दे रहे हैं। अब इनको संख्याओं क्रम से लिखेंगे, पहली संख्या 109, उसके आगे उसका विचलन प्लस 0 9, फिर दूसरी संख्या नीचे लिखेंगे 101, उसके आगे उसका विचलन लिखेंगे प्लस 0 1। और अब इसका हम योगफल करेंगे, गुणनफल करेंगे। तो गुणा करने के लिए एक यहां पहले एक संख्या दिखाई दे रही है विचलन, और इधर क्या लिखा गया है, संख्या। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, बाया भाग और दाया भाग। बाएं भाग में दोनों में से कोई एक संख्या ले सकते हैं, या तो फिर हम 101 लेते हैं तो उसके आगे विचलन प्लस करेंगे दूसरी संख्या का विचलन। यदि हम दूसरी संख्या 101 लेते हैं तो उसमें प्लस विचलन करेंगे ऊपर वाली संख्या, यानी 101 लेते हैं तो पहली संख्या का विचलन प्लस करेंगे, पहली संख्या 109 लेते हैं तो उसमें दूसरी संख्या का विचलन प्लस में करेंगे। तो इस बाएं भाग का सूत्र क्या बनता है, बाएं पक्ष में कोई एक संख्या, कोई एक संख्या और प्लस अन्य संख्या का विचलन, प्लस अन्य संख्या का विचलन। चलो देखिए कोई एक संख्या क्या लिखेंगे, पहली संख्या मैंने लिख ली 109, प्लस अन्य संख्या का विचलन, अन्य संख्या 101 है और उसका विचलन प्लस 0 वाले इसमें मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद में दक्षिण पक्ष में, दक्षिण पक्ष में आता है विचलनों का गुणनफल। विचलनों का गुणनफल, तो विचलन यहां है 0 9, यहां है 0 1। इनको गुणा करेंगे, 109 में 1 जोड़ेंगे 110, ऑब्लिक लगाएंगे 9 को 0 1 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9। अब अपने को यह देखना है, जैसे पहले बता रहे थे एकाधिक अंक पूर्वेण में या आधार में 2 0 होते हैं तो उसे डबल अंक रखे जाते थे, लेकिन अब ये निकलम विधि है, निकलम विधि में क्या करना है, आधार में 0 की संख्या जितनी है 2 है तो दक्षिण पक्ष में 2 ही अंक रखेंगे, 3 है तो 3 अंक रखेंगे। यहां 0 की संख्या आधार यदि 10 है उसमें 1 0 आता है तो 1 अंक रखेंगे, कितने 2 0 है इसलिए 2 अंक लाने के लिए यहां 0 की आवश्यकता है, 0 लगा के अंकों की पूर्ति कर लिया। इसके बाद में
इन दोनों अंकों को मिला के लिखेंगे 110 00। ये इसका है गुणनफल, संख्याओं का सूत्र निकलम आधार विधि से गुणनफल। दूसरा आता है उपाधार विधि। उपाधार का ऊपर एग्जाम्पल लिख रखा है, इसी को हम पुनः उपाधार विधि से सरल करते हैं। उपाधार विधि, उपाधार है, उपाधार विधि में जैसे इसको थोड़ा बदलेंगे, 532 इंटू क्या है 432, पूर्ण संख्या बनाने के लिए यहां से मैंने कर दिया 432, इसको 468 कर दिया, 432 इंटू 468 उपाधार विधि, 532 इंटू 468 उपाधार विधि से गुणा करेंगे तो जैसे आधार विधि है कुछ अंश उससे मिलता जुलता है। सबसे पहले हम इसका संकेत में लिख के आधार का पता करेंगे। आधार जैसे ये संख्या 500 है और ये है 468, दोनों ही संख्या 500 के नजदीक है। 500 के नजदीक होने के कारण इसका आधार 100 के गुणज में है। 100 का गुणज करेंगे 500, तो यहाँ आधार हो गया 100। उसके बाद में लेंगे उपाधार, उपाधार में क्या लिखेंगे, ये संख्या 500 के नजदीक है, 100 इंटू 5 बराबर 500। इसके बाद में इन दोनों में से हमें देखना है ये आधार बन गया, ये उपाधार अंक आ गया, उपाधार अंक 5 हो गया। उपाधार अंक के बाद में हमें ज्ञात करना है विचलन, और विचलन ज्ञात करेंगे तो विचलन का सूत्र भी बताया था, संख्या माइनस आधार, परंतु यहां उपाधार आ रहा है तो संख्या माइनस उपाधार हो जाएगा। जैसे पहली संख्या 532 का विचलन ज्ञात करेंगे तो संख्या 532 और इसमें उपाधार है 500, 532 माइनस 500 करेंगे तो पहला विचलन आ गया प्लस का 32। इसी प्रकार दूसरा विचलन 468 संख्या है, 468 करेंगे किसमें से, 468 माइनस 500, यह संख्या 500 से छोटी है इसलिए विचलन किसका आएगा, माइनस का, और यहां विचलन कितना आ जाएगा, 500 में से 468 कटाएंगे तो विचलन माइनस का 32 आ गया। आप संख्या लिखेंगे एक तरफ संख्या, उसके आगे लिखेंगे विचलन, उसी क्रम में 532 उसका विचलन प्लस का 32, उसके बाद मैंने लिखा 468 और ये विचलन इसका माइनस है, माइनस का 32। लाइन खींच दिया, दो भाग बनाएंगे इसने, बायां भाग और दायां भाग। बायां भाग में आपको होता है कोई भी एक संख्या प्लस अन्य संख्या का विचलन, 532 संख्या लेते हैं तो अन्य संख्या का विचलन माइनस 32 इसमें ऐड करेंगे, 532 प्लस, सूत्र बनता है संख्या, कोई एक संख्या प्लस अन्य संख्या का विचलन, परंतु यहाँ विचलन माइनस का है, माइनस होने के कारण इसको ब्रैकेट में लेते हैं माइनस का 32। दक्षिण पक्ष में दोनों विचलनों का गुणनफल, यहां गुणनफल करेंगे तो 32 इंटू क्या आएगा, माइनस का 32, 32 इंटू माइनस का 32। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां से 32 घटाएंगे क्या बचेगा, 500, आगे इन दोनों को सॉल्व करेंगे गुणा 32 इंटू 32, और यहां पहले भाग में आपको सूत्र में लिखना होगा बायां पक्ष जो है ये आधार विधि में तो संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, परंतु ये समान संख्या वाली यहां से आधार विधि की उपाधार विधि में क्या करते हैं, इसके ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाद यहां से उपाधार अंक से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उपाधार अंक क्या है यहां 5, तो 500 इनका योग हो गया, इनटू क्या कर देंगे 5, और यहां इन दोनों का गुणनफल करेंगे, 2 × 4 × 6 × 6 × 3 × 9 × 4 × 6 × 12 और 1 × 10।
ये भी माइनस का आ गया, माइनस का 1024। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 500 को 5 से गुणा करेंगे 2500 और माइनस 1024। अब यहां संख्या आ रही है ऋणात्मक, ऋणात्मक होने के कारण हम क्या करेंगे इसको पॉजिटिव बनाएंगे, और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे यहां से आधार देखेंगे, आधार क्या है 100 है, तो यहां कितने धाई ले जाए ताकि इस संख्या से बड़ी संख्या जाए, तो इसमें से अपन कितने ले रहे हैं जैसे 10 अंक ले रहे हैं, यहां से 10 अंक लेंगे तो 10 का धाई अंक बनाएंगे तो 10 × 1 ढाई अंक का मान 100 होता है और हमें चाहिए 1024 से बड़ी संख्या, 10 में से यदि हम 10 ढाई करते हैं तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ही आएगा, फिर भी संख्या किसकी हो रही है माइनस की, यहां से 10 की जगह 11 ढाई लेते हैं, 11 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो गए 1100, ये संख्या इसे 1024 से बड़ी आ रही है, तो यहां जैसे ही हम 11 ढाई लेंगे तो 11 से कम कर देंगे, 11 कम करेंगे तो यहां हो जाएगा 24, 10 में से 1 घटाएंगे 9 में से 1 8, 2489, और इधर हो गया 1100 माइनस 1024, इनको लेस करेंगे 2489 और लिख 1100 में से 1024 घटाएंगे तो संख्या बचेगी 76। अब इन दोनों संख्याओं को एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो यहां मान आ जाएगा 2489 और लाइन लाइन है तो आ जाएगा 76, 248,900। ये इसका हो गया उपाधार विधि से गुणनफल।